उत्तर प्रदेश के संभल में सीओ पर दलित अधिवक्ता के साथ गाली गलौज, मारपीट एवं जाति सूचक शब्दों के साथ हवालात में डालने के आरोप में भड़के साथी अधिवक्ताओं ने सीओ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। रोड जाम कर धरने पर बैठे अधिवक्ताओं ने सीओ को हटाने की मांग कर डाली। हालांकि इस मामले में उच्च अधिकारियों का किसी प्रकार का बयान सामने नहीं आया है। दरअसल सीओ पर अधिवक्ता को हवालात में डालते हुए 151 में कार्रवाई करने का भी आरोप है। सीओ चंदौसी पर गंभीर आरोप लगाते हुए अधिवक्ता कमल सिंह ने अपनी जान का खतरा बताते हुए पुलिस के उच्च अधिकारियों से कार्रवाई की मांग की। वहीं साथ ही अधिवक्ता के साथ हुई जाति के खिलाफ भड़के अधिवक्ताओं ने रोड जाम कर धरना शुरू कर दिया। अधिवक्ताओं का कहना है कि जब तक सीओ के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं हो जाती, उनका यहां से तबादला नहीं हो जाता, धरने से नहीं उठेंगे। वहीं सीओ पूनम मिश्रा ने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को नकारा और कहा कि कुछ लोग आपस में झगड़ा कर रहे थे, जिसके बाद झगड़ रहे लोगों को हिरासत में लेकर उनके खिलाफ 151 में कार्रवाई की गई। उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनमें एक अधिवक्ता भी शामिल है। हमारे एक अधिवक्ता साथी हैं कमल सिंह, वो अपने क्लाइंट के साथ में सीओ साहब के पास गए तो जाति सूचक शब्दों से उनकी बेइज्जती करी, उनके साथ मारपीट की, 151 में उनका चालान किया। तो ये पुलिस की तानाशाही अधिवक्ताओं के साथ में नहीं चलेगी। ये पूनम मिश्रा है, बहुत ही खराब मानसिकता की महिला है। इसने पूरे उसमें जो है हमारे किसी भी अधिवक्ता कभी भी कोई गया हो, पहले भी इसकी बहुत सारी शिकायतें आई हैं, ये कभी भी इसने हमारे अधिवक्ता साथियों का कोई सम्मान नहीं किया है। तो इसको सबक सिखाने का काम करेंगे, इसके खिलाफ मुकदमा लिखाएंगे, इसके खिलाफ जो है और आंदोलन करेंगे इसके खिलाफ। पुलिस अधिकारी होने का मतलब मैं कमल सिंह एडवोकेट, मैं जो है सीओ साहब ने मुझे फोन करके बुलाया था, बोले तुम्हारे मेरे हमारे जूनियर है उसको बंद कर लिया था विश्वकर्मा हॉस्पिटल पे से। तो उन्होंने फोन करके कहा बोले तुम्हारे गांव का जो वकील है कमल सिंह उसे बुला लो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मेरे जूनियर बोला भाई साहब आप आ जाओ सीओ ऑफिस में, मुझे सीओ साहब ने बैठा रखा है। मैं मोटरसाइकिल लेकर सीओ साहब के गया था, मुझे देखते ही बोले तेरी औकात ढीली कर दूंगी चमट्टे, तू बहुत बड़ा वकील होगा गांव में, तूने मेरी वीडियो बनवा रहा था जबकि मैं वहां था नहीं। मैंने कहा सर मैं तो था ही नहीं, मैं आपकी वीडियो बोले तू चमारो ऐसा कर दो तो मेरे गाल में थप्पड़ मारा, ये ना बोला ये गर्दन पे जो उसके हमारा ना मारा था वो ऐसे करके गाली गलौज करते हुए ऑफिस में मार के यहाँ था, पीट से बंद करा था, थाने वाला हवालात में बंद करा था। 20 घंटे बाद इतनी मिन्नतों के बाद भी मतलब पेशाब करने को करा तो गाली बक रहे सब लोग, बोले साले तेरी पेशाब इसी में लेकर भाई टॉयलेट में ही कर है, हवालात में डाल के इतनी बदतमीजी करी है मेरे साथ, और बोली तेरे पे इतने झूठे मुकदमे लगाऊंगी, लूट के मुकदमे में जेल भेजूंगी। मेरे फोन पे एक रिकॉर्डिंग है सीओ साहब की, उसमें कह रही है झूठे मुकदमे लगाऊंगी सब में जेल भेजूंगी तुझ पर, लूट के मुकदमे रिकॉर्डिंग है। मेरे साथ में मारपीट करी गई और मुझे अपशब्द कहे गए, ये आरोप लगा रहा, आपका क्या कहना है इस मामले में? ये आप ही के द्वारा मेरे संज्ञान में लाया गया कि कोई नाम भी उस व्यक्ति का और इस तरह का आरोप लगा रहा है। कुछ लोग मारपीट कर रहे थे अस्पताल के सामने, शाम को मैं गश्त पे थी तो मैंने उनको लेकर थाने भिजवा जरूर दिया था। मुझे इससे ज़्यादा नहीं पता है, ना उनकी जाति ना नाम पता है, लेकिन जो गलत कर रहा है सबके लिए अलग अलग नियम नहीं है, तो उसके तहत उनको थाने भिजवाया था। इसके बाद मुझे अन्य कोई जानकारी नहीं है क्या हुआ। इनके खिलाफ कोई मुकदमा रखा गया था या छोड़ दिया गया था, जो वकील बता रहे हैं 151 में चलान हुआ था। चलान हुआ तो मारपीट कर रहे थे सड़क पे, मारपीट झगड़ा लड़ाई करने में कम से कम शांति भंग की संभावना रहती है, और उसमें 151 की कार्रवाई की। एक कुछ जाति सूख शब्दों का आपको आरोप लगा रहे हैं, उस मामले में आपको क्या कहना है? मैं उनका नाम ही नहीं जानती, तो जाति सूचक तो तब कहूँगी किसी तरह का, कि नाम ही नहीं पता ना जाति पता, तो फिर जाति सूचक की बात कहाँ से आएगी।